हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, गुड इवनिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भोटिया मार्केट का कुछ इस तरह का है हाल, और टाइम मैं आपको बताती हूँ, अभी 2:51। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद ब्यूटीफुल व्यूज एंड पॉजिटिविटी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लेक लग रहा है, और धूप इतनी मस्त लगी हुई है। तो बादल दिख रहे हैं आसमान में, हल्के फुल्के से बादल है, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, खूबसूरत से बादल। तो लोगों का सवाल अक्सर रहता है कि नैनीताल में बर्फ कब पड़ेगी। तो अभी तो देख के लग नहीं रहा है, मौसम को देख के, कि बर्फ के कोई चांसेस है। तो लेक को देखिए ना, वहां से सूरज का जो वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर में देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रही है लेक आज यहाँ पे। तो बोटिंग भी हो रही है, बहुत कम है आज, मगर इतनी ज़्यादा बोटिंग नहीं हो रही है। तो देखिए इस तरह से है व्यू सुबह सुबह का। तो चलिए, मेरा नाश्ता हो चुका है तैयार, मैं नाश्ता करती हूँ। लेट भी हो गई एक्चुअली, 9:45 हो चुके हैं, तो हम लोग इस समय नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हो चुका है तैयार, और नाश्ता हम लोग करने लगे यहीं पर धूप में, और बहुत ही अच्छी धूप आ रही। तो आमा जी का तो है कद्दू की सब्जी एंड चपाती, और ये देखिए भाई साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय भी हो साथ में। तो ये देखिए इनका नाश्ता है, ये हाफ फ्राई है और कद्दू है, चटनी और मेरी चाय, मेरा कद्दू और हाफ फ्राई है। देखिए मेरा वाला हाफ फ्राई बिल्कुल मस्त है, और मेरी तरफ धूप नहीं, तो मैं चलती हूँ धूप की तरफ, फिर करती हूँ नाश्ता। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ही है अभी तो, बट आफ्टरनून होने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। तो मैं आज बना रही हूँ भट्ट की चुटकानी, जिसके लिए मैंने भट्ट को धो के रख दिया है, और तेल रख दिया गर्म होने, और प्याज रख दिया छील के। तो चलिए मैं बनाती हूँ उसको, टमाटर सब तैयार करती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हो गई है मेरी भटकी चुटकानी तैयार, अच्छी लग रही है देखने में। तो अब खाने में पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, देखने में तो शक्ल तो ठीक ही आई है, अभी थोड़ी और काली हो जाएगी थोड़ी देर में ना। तो भटकी चुटकानी से काली काली सी अच्छी लगती है, लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो काली बनती है, तो वो अच्छी लगती है। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने, नहा के फिर मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ, है ना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, गुड इवनिंग, कुछ भी कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून होगा, गुड आफ्टरनून। तो मैं अपना वीडियो सुबह स्टार्ट कर चुकी थी हल्का फुल्का सा, तो मैंने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया। ये देखिए वीडियो में आने के लिए जबरदस्ती धक्का मार के आया जा रहा है, आपके फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग आने के लिए, ओह माय गॉड, है ना। तो ये भी धक्का मारते हैं, मेरे फैंस आए हैं आज मिलने के लिए मुझसे, हम इनके बहुत बड़े फैंस हैं। तो मैं फैंस के साथ आई हूँ चाय पीने, देखिए फैंस आए हुए मेरे। चलिए आज का जो ब्लॉग थोड़ा सीरियस हो जाती है, बहुत हो गया मजाक, तो यहाँ फाइट हो रही है सामने, फाइट। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों, छोटे छोटे बच्चे उलझे पड़े, वो फिर कॉफी कुछ लगेगा तो नहीं, क्या होता है वॉलेंस कौन सा, नहीं नहीं हो सकता है नहीं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी यहाँ पे नैनीताल में मार्केट का हाल। तो ये है अमित शाह ब्लॉग, सभी जानते ही है, वैसे तो जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए, अमित शाह ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, तो बहुत सारे मेरे जो अभी नए सब्सक्राइबर्स है उन्होंने नहीं किया होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये है अनमोल नेगी ब्लॉग्स, तो फ्रेंड्स देखिए भोटिया मार्केट का कुछ इस तरह का है हाल, और टाइम मैं आपको बताती हूँ, अभी 2:51 हो चुके, 3 बज चुके ऑलमोस्ट। और ये देखिए सामने में क्या चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए गुत्थम गुत्थी बच्चे लोगों की, उसी तो पजामे में उतर जा रहा है ये थोड़ा सा ये थोड़ा खतरनाक सीन है अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मार्केट का हाल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अनमोल और अमित खड़े हैं चाय वाली शॉप के पास, हम लोग खड़े हैं चाय का वेट कर, ऑर्डर दे दिया ना, बोल दिया ना उसको। तो यहाँ से मार्केट ना शुरू हो जाती है यहाँ से। तो ये भोटिया मार्केट है, यहाँ से देखिए बहुत सुंदर कलरफुल कपड़ों वाली मार्केट, खूबसूरत, बहुत आगे तक है। और सामने जो फ्रंट वाली शॉप्स है ना, ये तिबेटन मार्केट की शॉप्स हैं। और फिर उधर से आप इस तरफ को आएंगे तो ये है चाट पार्क। तो यहाँ पे मतलब खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ है, शॉपिंग करके आप थक गए तो चाय कॉफी खाना पीना आपका जो भी है आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो और धूप ना मार्केट से इतनी जल्दी चली जाती है, मैं आपको दिखा दूँ, धूप पहुँच गई है आगे, देखिए काफी आगे तक पहुँच चुकी है धूप, और ऊपर को लगी हुई है धूप तेज वाली। तो चले मिलेंगे थोड़ी देर बाद, ना ऐसे गप्पों में ही वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक 5 बजे मैं एंटर हो चुकी थी ठंडी रोड पे, और यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ आगे को। तो मैं आज सोच रही हूँ कि यहाँ से पूरा जो ठंडी रोड कवर करके उस तरफ से फिर मैं आऊँ तलीताल से मॉल रोड होते हुए इधर को, तो मैं सोची पूरा लेक टूर मैं आज लगाने वाली हूँ। अभी देखती हूँ, थक गई तो अगर फिर नहीं लगाऊंगी, अगर नहीं थकी तो फिर मैं आगे से पूरा लेक टूर लेते हुए आऊंगी, और मॉल रोड का जो भी लाइटनिंग्स एंड ऑल जो भी हो रखी है वो सब शूट करने वाली हूँ मैं आज। तो बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए इस तरह का है यहाँ से नज़ारा। तो बहुत सारी बोट्स है लेक में आज, काफ़ी सारी बोट्स अभी तक भी, इतनी शाम तक भी देखिए पूरा फुल है बोट्स से। तो चलिए मैं चलूँ आगे को। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लहराती हुई ध्वजा को देखकर किस तरह से तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही भयंकर ही तेज़ हवा चल रही है। तो चलिए मैं हाथ जोड़ लूँ, शीश नवा लूँ यहाँ पे। ये देखिए लेक में हवा से लहरें उठती हुई, इतनी खतरनाक लहरें उठ रही, देखिए हवा इतनी तेज़ है,
और हवा की आवाज आप सुन सकते हैं बिल्कुल। लहरों को देखिए आप किस तरह से उठ रही है लहरें। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखिए मैं ये मेरे पीछे जो गेट दिख रहा ना, तो इसी गेट तक मैं हमेशा आती हूँ। तो आज आ गई हूँ गेट से इस पार, क्योंकि मेरा जो इरादा है वो है लेक को पूरा कवर करके सीधे भोटिया मार्केट पे पहुँचने का। तो मैं यहाँ 15 मिनट में पहुँची हूँ यहाँ तक, और यहाँ से आगे वाली जो रोड है ना, इसमें लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो चलिए मैं बताऊँगी आप लोगों को पहुँचने के बाद वहाँ पे कि मैं कितनी देर में पहुँची, कितना टाइम मुझे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में लगा है। तो आज से हम ठंडी रोड की तरफ आते हैं, तो अंदर को आके ओल्ड बस स्टैंड से अंदर को आके जो यहाँ पे है, ये है सिम्स कैफे। अच्छा से खूबसूरत सा कैफे यहाँ पे खुला हुआ है। आते हैं बर्गर वगैरह यहाँ पे अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में, मैंने सुना कोल्ड कॉफ़ी हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें ना, तो हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं अक्सर। तो ये देखिए सिम्स कैफे ये है। तो चले मैं चलती हूँ आगे को, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा है यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, अच्छा है बच्चों से मैंने सुना, जैसे बच्चे यहाँ पे अक्सर आते ही थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए लेक पे लहरें जो उठ रही ना, बहुत ही खतरनाक तेज उठ रही है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कोई हिला रहा है। जैसे कटोरे में पानी रख के हम हिलाते ना, प्याले में पानी रख के, उस तरह से लहरें हिल रही है, इसमें खतरनाक हिल रहा है ये लेक, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कोई हिला रहा है इसको, अंदर से बहुत ही बुरी तरह से हिल रही है। देखिए तो लेक में पूरे हवा की वजह से शायद इतनी खतरनाक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। ओ माय गॉड, मुझे इसको देख के चक्कर आने लग गया है। हेलो हेलो, तो देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ तल्ली ताल। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो जगह सेल्फी पॉइंट जहाँ पे होता था आई लव नैनीताल लिखा रहता था जहाँ पे, तो ये है वो जगह। तो मैं तल्ली ताल फाइनली मैं आ ही गई हूँ, फिर मैं पूरा लेक कवर करके ही जाऊँगी आगे को ना। तो मैं पहुँच चुकी हूँ तल्ली ताल में, तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। और लाइटें अभी तक जली नहीं है, अगर लाइटें जल गई होती तो जो लाइटनिंग हो रखी है खूबसूरत सी वो मैं दिखाती आप लोगों को। तो देखिए ये है वो पॉइंट जहाँ पे लिखा रहता था आई लव नैनीताल। तो चलिए मैं बैक कैमरा रन करके दिखाती हूँ यहाँ पे मैं हूँ। ये देखिए ये है तल्लीताल, यहाँ से अंदर को तल्लीताल बाजार है उस तरफ से, जो दो बिल्डिंग है उसके पीछे अंदर को जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे तल्लीताल बाजार। और इधर से जो रोड जा रही है जाएगी हल्द्वानी को, और जो इधर से रोड जा रही है ये जाएगी भवाली को। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए ये गांधी जी, और ये सेल्फी पॉइंट, लोग सेल्फीज ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग जाएंगे इस तरफ को, तो ये देखिए हम चले नैनीताल की तरफ। आज इतनी तेज हवा चल रही है ना, माय गॉड, मैंने अभी लहरें देखी, दिखाई ना आप लोगों को जो लेक पे लहरें उठ रही, इतनी खतरनाक भयंकर लहरें उठ रही हैं, पता नहीं जो लोग बोटिंग कर रहे हैं कैसे, मेरे को तो धक्के लग रहे हैं हवा से। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा बाढ़ आ रही है। तो फ्रेंड्स ये है कैनरी रोड। मुझे मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, तो बिल्कुल लेक से लगता हुआ। देखिए आप यहाँ से भी उतर सकते हैं बोटिंग के लिए। तो इस रोड से आप जाएंगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, तो आप बड़े आराम से चल सकते हैं यहाँ पे बिना डिस्टर्बेंस के। तो वहाँ पे कहते हैं गाड़ियाँ चल रही होती तो थोड़ा डिस्टर्ब सा लगता है। मैं चलती हूँ आगे, मैं पहुँचने वाली जिम के पास। तो चलिए जिम पे पहुँच कर ही मैं बताती हूँ। कैनरी रोड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से शांत, दोनों तरफ से पेड़ों के बीच से होती हुई जाती है ये रोड है ना। तो जो भी नैनीताल आता है, अगर आपको मॉल रोड में चलने में थोड़ा डिस्टर्ब लगता है तो आप इस रोड से चल सकते हैं। तो ये रोड बड़ी मजे की है, मस्त है। आप अकेले अभी तो नहीं, पर सीजन टाइम में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस रोड में भी है ना। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे जो ओपन जिम है इसमें ना। तो अभी तो कोई भी किसी भी जिम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे कोई भी, तो बच्चे लोग टूरिस्ट बच्चे जो वो लोग खेल रहे हैं जिम में। तो देखिए ये एक ये है, इस पर क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, क्या करते पता नहीं है, इस टाइप का है ना। और एक ये है यहाँ पे, देखिए ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये वाला है एक, इस पर भी क्या करते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता सीरियसली, मैं कभी जिम गई नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी जाने की, तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या करते हैं। तो एक दो जगह पे मैंने और दागर निकल किया था, तो लोग तो यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, इसको तोड़ने की तैयारी में पूरा, मतलब तोड़ के ही दम लेंगे। तो ये देखिए ये तो खेल मतलब गेम टाइप का चल रहा है इसमें तो कुछ। तो एक ये है और एक ये, इसमें आप लटक सकते हैं, लटक के अपनी हाइट लंबी कर सकते हैं। इस पर कल दागर दौड़ी थी और वो हो गई थी, डिसबैलेंस भी हो गई थी उस पर चलते चलते ना। और इस किस पे करा था मैंने और दागर ने, एक पे करा था बैठ के जो था, ये नहीं था वो, एक वाले पे मैंने और दागर ने करा भी था वो, हाँ वो किनारे वाले जो उनमें करा था हमने। तो चलिए मैं देखती हूँ, अभी एक लेडी वहाँ पे कर रही है एक्सरसाइज ना, वो मुझे लगता है रेगुलर आती है शायद यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये तो सब मस्ती ही कर रहे हैं, अभी कोई नहीं कर रहा है, तो ये भी शायद करते ही हैं। तो देखिए मैम मिली हैं आप एक्सरसाइज करते हुए। तो रोज करते हैं आप? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा शाम को? अच्छा सभी में करते हो या इसी वाले में? अच्छा सभी में करते हैं। तो देखिए एक हमें मिले हैं जो मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जिम का आपको मतलब यूज है इस जिम का, नहीं तो मुझे लग रहा था खेलने के काम आ रहा, बच्चे खेल ही रहे इस पर तो सभी जगह पे करते हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स 6:30 बज चुके हैं और लाइटें अभी तक जली नहीं है मॉल रोड पर, जो लाइटें जलती ना
मैं एक्चुअली आई थी, मैंने लाइटें दिखाऊंगी आप लोगों को, जो गाने वाने बजते हैं, म्यूजिक बजता है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा मैं इनका म्यूजिक भी सुनाऊंगी। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मेरी वॉक तो मैं पहुंचने वाली हूँ लाइब्रेरी के पास, तो मुझे लगा मेरी वॉक खत्म होगी तभी यहाँ पे लाइटें वाइटें जलेगी। तो चले कोई नहीं, फिर मैं कल को ना इसी साइड से आऊँगी, क्योंकि उस साइड से तो अंधेरा हो जाएगा, मुझे डर लगेगा आने में ना। तो इधर से मॉल रोड को ही आके मैं आपको दिखा जरूर दूंगी एक दिन, चाहे कल को ही दिखा दूँ तो, है ना। तो चले मैं अभी दुकान पहुँच के फिर शूट करके फिर बताती हूँ आप लोगों को कितने मिनट्स में मैं पहुँची हूँ दुकान पर, और मैं आज रुकते रुकते आई हूँ जगह जगह पर वीडियो शूट करते हुए। तो फ्रेंड्स ये देखिए लाइब्रेरी के पास ना यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स है, तो यहाँ पे इस तरह से फूलों वूलों से सजा दिया गया है इसको। तो मेरे यहाँ से वीडियो में काला आ रहा है, मुझे येलो कलर का है ये। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स इस तरह से, तो आप लोग फोटो शोटो खींचने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, इस साइड भी और लाइब्रेरी की इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड से है ये सेल्फी पॉइंट्स। और लाइब्रेरी भी देखिए खूबसूरत सी पेंटिंग्स भी बनी हुई है। तो चलिए मैं चलती हूँ आगे को, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। ये वाला जो हार्ट वाला सेल्फी पॉइंट है, पहले काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ था फूलों के साथ, लेकिन अभी इसके फूल सारे गिर चुके हैं, ये बेचारा गंजू हो रखा है बिल्कुल बिना फूलों के है। तो यहाँ पे भी एक सेल्फी पॉइंट है, तो लेक के पास में है बिल्कुल, तो यहाँ पे खड़े होकर लोग फोटो वोटो लेते हैं। और ये इस तरह से है ऊपर को, ये मैं गुरदीप होटल के पास पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए लेक व्यू कैफ़े भी है यहाँ पे, है ना। तो चलिए मैं निकलती हूँ आगे को। तो फ्रेंड्स लाइट्स जल चुकी है, देखिए ये खूबसूरत सा ये पेड़ टाइप का वरन आ नहीं रहा है कैमरे में, पता नहीं क्यों गायब हो रहा है ये। और मेरी नाक हो गई है बंद थोड़ी सी लेक साइड, आज पता ठंड भी कम है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो देखिए अंधेरा हो गया, सब जगह लाइटें जल चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे रोड धसी थी ना, मॉल रोड जहाँ पे धसी थी, तो बिल्कुल मैं उस वाले एरिया पे खड़ी हूँ जो वाली रोड धस गई थी, उसी वाली रोड पे। तो ठंड आज कम है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं जितनी कल परसों थी, या फिर पता नहीं मुझे चलने से लग रहा हो। तो देखिए इस तरह से मॉल रोड सजा हुआ है, अभी म्यूजिक भी बजने लगेगा, अभी म्यूजिक बजना स्टार्ट नहीं हुआ, तो म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाएगा बजना अभी। और यहाँ पे है टिबेट करके एक टिबेटन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा इनका है, मैंने सुना खाना होता, मैं भी गई नहीं, जाने की प्लान कर रही हूँ, चले दागर को लेके एक दिन जाऊँगी मैं यहाँ पे। तो ये है टिबेट रेस्टोरेंट, टिबेटन फूड के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, टिबेटन थाई कोरियन, मतलब पता नहीं कौन कौन से क्यूजीन्स यहाँ पे मिलते हैं, मुझे ऐसा पता नहीं है, टिबेटन कोरियन एंड चाइनीज एंड थाई, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारे थाई फूड हो गया, चाइनीज फूड हो गया, कोरियन फूड हो गया, टिबेटन फूड हो गया, ये सबके लिए आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे टिबेट में। तो जिनको भी ये सब खाने हो यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं चलूँ जरा आगे की तरफ। तो ये देखिए लाइटों से सज चुका है न्यू ईयर के लिए, जो लाइटें कुछ इस तरह से लगी हुई है यहाँ पे, तो सभी जगह पे पूरी रोड में म्यूजिक बजेंगे न्यू ईयर के टाइम पे। ये देखिए इस साइड से तल्ली ताल का नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, और बोट्स तो आप देख सकते हैं, अभी भी अंधेरे में भी बोटिंग हो रही है भाई, देखिए इतनी लहरों के बीच अंधेरे में बोटिंग करना भाई शाबाश है, सीरियसली मैं तो डर के मारे यहीं से देख के जान जा रही है, पता नहीं कैसे बोटिंग का चक्कर आ रहे मुझे देख के, इस पानी को जो हिल रहा है ना इतनी तेज़ी से, जो लहरें उठ रही हैं इतनी खतरनाक वाली, बाय गॉड भयंकर वाली लहरें उठ रही हैं। तो ये देखिए तल्ली ताल यहाँ से इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए चर्च रात के टाइम पे इतना खूबसूरत लग रहा है, उस दिन जब मैं आई थी तो दिन के टाइम, मतलब दिन इतना अंधेरा नहीं हुआ था, तो अभी अंधेरे में तो ऐसा लग रहा है चर्च, ऐसी लाइटनिंग हुई है यहाँ पे ना। तो ये देखिए मचान रेस्टोरेंट है, मचान रेस्टोरेंट में भी काफ़ी अच्छी लाइटनिंग हो रखी है, तो मचान से लगता हुआ ये चर्च है, तो यहाँ पे भी अच्छी लाइटनिंग हो रखी है। तो मैं अभी आगे से फिर वापस कैमरा टर्न करके आप लोगों को दिखाऊंगी, और आज पता क्या म्यूजिक भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है चौक, ये चौक पे यहाँ पे पुलिस चौकी भी रहती है आगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल नजर आएगी आपको, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है और सब कुछ नजर आएगा। तो देखिए इस तरह से है, यहाँ पे गाड़ियों का जाम लगने लग गया पता नहीं क्यों, तो जो अंदर को आ रही है ना गाड़ियाँ, काफ़ी जाम सा लग गया इनका। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे पहुँच के भीड़ भाड़ नजर आ रही है, पूरे मॉल रोड में थोड़ा सुना सुना सा था, अच्छा सा था, तो यहाँ पर आके थोड़ी भीड़ भाड़ सी लगने लगी हुई है। तो ये टैक्सी गलत चल पड़ी थी अंदर को, इसको वापस को बाहर को निकाल रहे हैं वापस, इस तरह से है यहाँ पे। देखिए यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये, और यहाँ पे आग जलना स्टार्ट हो चुकी है, अलाव जल चुका है यहाँ पे, आज तो ठंड कम है हालांकि फिर भी जल रही है आग ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी चहल पहल और काफ़ी अच्छी सी लाइटनिंग है यहाँ पे ना। और यहाँ से जैसे अंदर को हम जाएंगे तो यहाँ से मंदिर का रास्ता है ये अंदर की ओर, तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है शाम के समय में, क्योंकि मार्केट लगी रहेगी अभी 6 बजे तक मार्केट लगी रहती, तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे मार्केट हट जाएगी तो भैया गुस्से में चिल्लाते हुए, बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए। तो देखिए यहाँ पे अंदर को रहेगा रश थोड़ा सा, तो चले मैं शॉप पे जाके पहुँच मिलती हूँ, वरना मैं इतने लोगों से टकराती हूँ ना, इतने लोगों से टकराती हूँ कि गाड़ी से नहीं टकरा जाऊँ, तो इससे अच्छा है कि मैं शॉप पर जाके मिलूँ। तो चले मिलेंगे शॉप पर जाके, बाय बाय। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पहुँच चुकी हूँ शॉप पर, वहाँ पे फुटपाथ मार्केट से मतलब धक्का मुक्का खाते हुए मैंने ना फोन ऑन ही नहीं करा, मतलब वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं वैसे बिना वीडियो बनाए भी टकराते हुए आई हूँ लोगों से, सॉरी सॉरी बोलते हुए आई हूँ, मतलब दो तीन सॉरी तो मेरी निकली गई है अभी यहाँ तक में ना। तो पता क्या,
मैं पहुंची हूँ यहाँ पे 55 मिनट्स में, वीडियो बनाते हुए रुकते हुए आई हूँ, तो मतलब ठीक ही पहुंची हूँ मैं, बहुत ज्यादा लेट नहीं पहुंची हूँ, तो मेरी स्पीड ठीक है अभी भी। तो फ्रेंड्स चलिए जो आज की वीडियो है ना मेरी यहीं पे समाप्त हो जाती है, तो कल को मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा अच्छे अच्छे और बताइएगा कैसी आपको मेरी वीडियो लगी आज वाली, और पिछली वाली भी कैसी आपको मेरी वीडियोस लगती हैं। तो चलिए मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, बाय बाय। तो हाँ ये बताना चाहती जो मैंने पहना हुआ ना, ये देखिए मेरा ये है ना, ये इसकी वजह से मैं नेक ऐसे वाले पहनती हूँ ऊपर तक, तब तो ठीक रहता है, अगर ऐसे नेक ना हो ना तो फिर ये ऐसा दिखता है ना, तो फिर मेरे को ये पहनना पड़ता है स्टॉल इस करके, तो मेरे को ये इसलिए तब मैंने ये पहना हुआ है, अदरवाइज मैं नहीं पहनती स्टॉल जैकेट के साथ, स्टॉल की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।